बिसम अमर रहीम वी आर कॉन्टीन्यूंग विद द एडवांस लेवल स्ट्रैटजीज़ इसमें हम नई नई स्ट्रैटजीज सीख रहे हैं वुट वी आर बीइंग डूइंग विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक और उस पर कैसे हम प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग भी आ रही हैं आज वाली स्ट्रैटी भी एक नई टाइप की है मे बी शायद आपने इसका ना सुना हो पहले बट इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मेक श्योर यू डिस्कस दैम वन यू आर विद योर पीयर्स पियर्स दैट पीपल नो दैट यू नो फाइनेंस एट अ गुड लेवल तो ये है जी स्ट्रैडल स्ट्रैटी स्ट्रैडल स्ट्रैटी को चल बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका एक चाइल्डहुड की चीज़ रिकॉल करवाता हूँ कि यू मस्ट हैव मूव टू सम अम्यूजमेंट पार्क जॉयलैंड वगैरह जिस जगहों पे आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने दो एक स्विंग बड़ा फेमस होता है इट्स लाइक अ वी शेप स्विंग ऑफ इट गोज अप Then falls down and then it goes up on the other side. ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि it's being utilized in our स्ट्रैटी So it's a this टाइप ऑफ स्विंग थोड़ा सा रिकॉल करें माइंड में अगर आपने नहीं भी लिया देखा ज़रूर होगा कि लोग काफ़ी क्रेजी से इसमें ये काम कर रहे होते हैं तो इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ड्राइव फ्रॉम दैट पाथ पैटर्न दिस इज straddle strategy. A long straddle also known as buy straddle or a simple straddle is a neutral strategy in option trading that involves simultaneously buying a put option and a call option on same underlying strike price and expiration same expiration same and what we a call option and put option. Le rahe Aim is to profit from a big price change either up or down. इन अंडरलाइंग स्टॉक ये हमें ख्याल है कि इस प्राइस में या ऊपर जाएगा बहुत या नीचे जाएगा तो हमें इसमें गेन होगा स्ट्रैडल स्ट्रैटी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी वी बाय वन एट द मनी कॉल ऑप्शन एट द सेम टाइम बाय वन एट द मनी फोर्ड ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन खरीद ली कॉल ऑप्शन आपको पता है कब फायदा देती है जब प्राइस बढ़ जाती हैं और पुट ऑप्शन का फायदा देती हैं जब प्राइसिस कम हो जाती तो हमने क्या इतना अच्छा एक स्ट्रैडल बना दिया कि दोनों ऑप्शन ले ली तो इफ स्टॉक गोज इन एनी डायरेक्शन दो देन वी विल बी गेनिंग आउट ऑफ इट लॉन्ग स्ट्रेडल ऑप्शन आर अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन उसकी जो रिस्क है वो लिमिटेड है एंड देट आर यूज वन ऑप्शन ट्रेडर्स थिंक्स दैट अंडरलाइंग सिक्योरिटीज विल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉलीटिलिटी इन नियर मार्केट इसमें जो वर्ड वॉलीटिलिटी यानी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट है जब आपका ख्याल है कि किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होनी है तो उस सिचुएशन में ये करना बड़ा बेस्ट है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक ऑयल की कंपनी है जो ऑयल डिस्कवर करते हैं और ड्रिल आउट करते हैं अब उन्होंने एक बड़ी एक आइडेंटिफाई किया है कि जी ये जगह यहाँ पर हमारा ख्याल है बहुत ज़्यादा ऑयल है और एक उसकी मार्केट हाइप भी हो गई है लोगों में एक एक्सपेक्टेशन भी आ गई है और न्यूज़ भी चल गई हैं अब मेरा ख्याल है अगर उसमें से उनकी ड्रिलिंग सक्सेसफुल हुई तो प्राइस इसकी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा और अगर सक्सेसफुल ना आई वहाँ ऑयल ना हुआ तो फिर इसके शेयर की वैल्यू गिर जाएगी तो अब लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा तो इन दिस सर्कमस्टांसिस बेस्ट स्ट्रेटजी कुड बी कि आप एक कॉल ऑप्शन ले लें एक पुट ऑप्शन ले लें जिस तरफ की भी मूवमेंट होगी यू विल गेन इन कंट्रास्ट अगर आप शेयर खरीद लें तो ऊपर जाएगा तो बहुत फायदा लेकिन अगर नीचे चला गया तो बहुत ज्यादा नुकसान है तो इस केस में नुकसान लिमिटेड सा है वो भी जो आप प्रीमियम पे करेंगे लेकिन जो गेन पोटेंशियल है दैट इज के वो अनलिमिटेड है तो हम थोड़ा फर्दर विद इलिस्ट्रेशन भी देखते हैं एग्जाम्पल बाय वन एक्स वाई जी हंड्रेड वैल्यू की कॉल ले लें ले, आप थ्री पॉइंट थ्री पे और हंड्रेड की ही एक फुट ऑप्शन ले लें थ्री पॉइंट टू ये दोनों ही हम ऑप्शन ख़रीद लें तो हमें प्रीमियम फिर इसका मतलब है पे करना पड़ेगा तो हमारा एक इनिशियल आउटफ्लो हो गया सिक्स पॉइंट फाइव तो का ये तो हमारी एक फिक्स कॉस्ट आ गई और यही हमारी मैक्सिमम एक्चुअली द कॉस्ट है जो लॉस है जो हम इनकर् कर सकते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे है बाई हैविंग बोथ लॉन्ग इन पुट एंड स्ट्रगल कैन अचीव लार्ज प्रॉफिट नो मैटर विच वे द स्टॉक मूव अपर डाउन सो वी विल भी लेकिन उसकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए तो वील बी गेनिंग गोड आउट ऑफ इट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इज गेवन लो मैक्सिम प्रॉफिट कैसे आएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट वैन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग जो शेयर है उसकी प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस प्लस द नेट प्रीमियम पेड कि जो उसकी इतनी वैल्यू बढ़ जाए कि यानी कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है प्लस प्रीमियम है उससे वो ज़्यादा हो जाए या अंडरलाइन की प्राइस इतनी कम हो जाए जो कि हमारे स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम पेड उनका जो डिफरेंस है उससे भी कम हो जाए यानी कि या बहुत ऊपर चली जाए या बहुत नीचे चली जाए तो हमारे लिए ये गेन सिचुएशन है प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम जो भी हमने बात की है और स्ट्राइक प्राइस फॉर फॉरपोर्ट माइनस प्राइस ऑनडर लाइंग माइनस द नैट प्रीमियम पेट यानी कि इन बोथ सरकमस्टांसिस वी कैन गेन ये जो मैं आपको डाइग्राम बात कर रहा था आई रिमेंबर आई द टॉक स्विंग आई वॉज टेलिंग तो ये सिचुएशन हमारे पास है कि हमने एक कॉल ऑप्शन ले ली है और एक पोर्ट ऑप्शन ले लिया जीरो है. जो हैं ये हमारे ब्रेक की वन पॉइंट है कि यहाँ तक अगर स्टॉक आ जाएगा तो हमें ब्रेक इवन हो जाएगा अगर वो उस स्टॉक उसी लेवल पे रहता है जिस लेवल पे हमने ये ट्रांजैक्शन की अगर सौ पे ही रहता है तो फिर तो हमें लॉस होगा क्योंकि हमने बहुत हैवी प्रीमियम पे किया आपने देखा सिक्स पॉइंट uh, हमने फाइव डॉलर का जो प्रीमियम पे किया तो दैट्स आउटफ्लो तो अगर थोड़ा सा बढ़ता है या थोड़ा सा गिरता है इन बहुत सरकम चांसिस वी विल गेन और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है या उससे ज़्यादा गिर जाता है तो इन दैट सरकम वी विल बी गेनिंग तो यू सी डायग्राम विच इज़ रिफ्लेक्टिंग के हमारे यहाँ पे इसमें किस तरह गेन पोटेंशियल हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट एट एक्सपायरेशन हमने जब बात की है कि ये ब्रेक इवन लेवल हमारे क्या होंगे उसके दो पॉइंट्स होंगे एक जो हमारी इनिशियल उसकी स्ट्राइक प्राइस है प्लस द प्रीमियम पेड दैट इज़ वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव यानी कि इतना मैक्सिमम ऊपर जाएगा तो हमारा ब्रेक इवन होगा या क्योंकि हमने पोट ऑप्शन भी है हमारे पास तो हंड्रेड माइनस सिक्स पॉइंट फाइव नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव पर आएगा तो हमारा ब्रेक ही है तो ये गिवन लेवल्स के ब्रेक है लिमिटेड रिस्क एज इट्स लिमिटेड इन अ सेंस कि हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच वी हैव पेड तो हमारी डाउन साइड जो है वो वही है कि हमारा इनिशियल कितना डेबिट हुआ है या कितना हमें चार्ज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीमियम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सपोज एक्सवाई जी इज ट्रेडिंग एट फोर्टी डॉलर जे आर एफ फोर्टी पे हमने क्या किया लॉन्ग स्ट्रेडल में हम जा रहे हैं हमने फोर्टी डॉलर्स का एक कॉल uh, ऑप्शन भी ले ली और एक फोर्टी डॉलर की कोर्ट ऑप्शन भी ले ली दोनों का जो प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है वो टू हंड्रेड डॉलर आई यानी कि अफेक्टिवली हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई फोर हंड्रेड ये हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ये हम पे कर देंगे अगर स्टॉक फिफ्टी पर चला जाता है तो क्या होगा जो हमारी एक्सपायरेशन जो जुलाई की वो पुट है वो तो एक्सपायर वर्थलेस हो जाएगी क्योंकि प्राइस एक्चुअली बढ़ गई है लेकिन जो कॉल ऑप्शन है वो बेनिफिशियल हो जाएगी उसमें हमें थाउजेंड का गेन आ जाएगा थाउजेंड का गेन और हमारा आउटफ्लो पहले कितना था फोर हंड्रेड तो हमें सिक्स हंड्रेड का गेन और अगर वो फोर्टी पे ही रहता है इसका मतलब है कोई गेन नहीं हुआ तो हमारा वो सारे का सारा गया दैट्स आर लॉस थैंक यू